कसरावत थाना क्षेत्र के इंदौर खरगोन मुख्य मार्ग के ग्राम भिलगांव स्थित मोड़ में बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बस चालक सहित बस में बैठे यात्री घायल हो गए, जिन्हें 100 डायल की मदद से कसरावत अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 2:30 बजे के करीब इंदौर से खरगोन की ओर तेज गति से जा रही बस ने सामने मोड़ में मिनी ट्रक के चालक सीट के पीछे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मिनी ट्रक का डीजल टैंक तक निकलकर सड़क पर गिर गया। वहीं बस चालक कमल सिसोदिया, उम्र 45 वर्ष, बुरी तरह से फंस गया, जिसे लोगों ने तत्काल निकाल कर कसरावत अस्पताल भेजा, जहां चालक का पैर फ्रैक्चर बताया गया। वहीं आनंद गोपाल 65 वर्ष खरगोन, कला रेहदल 31 वर्ष सरवल देवला, सुमेर सिंह 40 वर्ष मदनी खुर्द, दुर्गा रेखा 10 वर्ष सरवल देवला, कला वानखेड़े इस्लामपुरा खरगोन, राज अनिल यादव दयालपुरा 30 वर्ष घायल हो गए, जिन्हें भी प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूत्रों की माने तो गलती बस ड्राइवर की थी। वही घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को संभाला। तकरीबन 10 लोग के आसपास आए थे, जिसमें से एक को ड्राइवर को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसमें फ्रैक्चर होने की संभावना है सीधे घुटने की ओर पे या सीधे पैर में। साथ ही साथ में बुजुर्ग को थोड़े से कट लगे हुए हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को ब्रेक वगैरह लगने की वजह से नाक के ऊपर चोटें, ज्यादातर मैंने नाक के ऊपर चोट लगना बताया, तो हो सकता है साधारण चोटें भी हैं। एक दो में शंका है कि कोई गंभीर चोट हो सकती है। प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी को यहाँ से जिला अस्पताल से भेज सकते हैं। सर, इसमें कोई मृत है? किसी भी प्रकार कोई मृत अवस्था में कोई नहीं आया।